आदरणीय साथियों, कांग्रेस जनों, सभी परिवार के उपस्थित परिवार जनों, चूंकि ये विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी को मिली है और इसका नेतृत्व इंदौर को मिला है, हमको मिला है, आपको मिला है। आपकी और हमारी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है कि हम कांग्रेस पार्टी को खुद करें साधारण। अरे इससे लाइट है किसा उसका कर जाता है तो मेरे को बोले ना, तो उसका मेरे को समझ रहे हो, बोल रहा हूँ बंद कर आवाज नीचे कर। हमें ये जिम्मेवारी विपक्ष की मिली है, जनता ने दी है। इस बात का आवाज की जनता के हितों की लड़ाई हम सब इधर आ रहे हैं। हाँ उधर करना है, मेहनत करके लड़ेंगे, हमारी जिम्मेवारी। मैं आप सबको इस स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूँ। चिंटू भैया, राजीव भैया, राजेश भैया, सभी परिवार के यहाँ उपस्थित साथीगण मेरे, जितने कांग्रेस जन है उनके बीच में से ही मैंने राजनीति की एबीसीडी, सार्वजनिक जीवन की सकारात्मकता के साथ सेवा करना चालू किया है। मैं आपके जैसा ही हूँ, आप लाड़ प्यार दुलार फटकार सबसे ही आप तक पहुँचा हूँ और आशा करता हूँ कि आपका साथ मुझे हर पल, हर पहलू, हर परिस्थिति में मिलेगा और इंदौर शहर में हम सब कांग्रेस महसूस करें, अनुशासित करें, एकजुटता से हम सब मिलकर पूरे प्रदेश में संदेश दें कि कांग्रेस की मजबूती इंदौर से चालू हुई। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे। एक बार फिर साधुवाद, धन्यवाद आप सबको इतना भारी भरकम स्वागत करने के लिए। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जी, नमस्कार। सभी लोग एक होने पर सभी साथियों से निवेदन है कि सभी लोग भोपाल तक आदरणीय भैया के साथ साथ में सब साथ में चलेंगे। सभी लोग सब तैयार है और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2028 में हमारा भाई मुख्यमंत्री बनेगा और हम ऐसे ही नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी अपने इंदौर निवास से उज्जैन के लिए रवाना हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। जीतू आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। जीतू पदभार ग्रहण करने के पहले बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वे बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद एक रैली के रूप में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भोपाल पहुंचेंगे और पदभार ग्रहण करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जारी करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी आज 3 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। मैं जीतू पटवारी को नई पारी के लिए पुनः शुभकामनाएं देता हूं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से अपील करता हूं कि आज भोपाल पहुंचकर पदभार ग्रहण कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। इससे पहले पीसीसी चीफ नियुक्त होने के बाद जीतू पटवारी ने बताया, हमारा चुनौती लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करना है। कांग्रेस की विचारधारा हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। हम सामूहिक नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए पटवारी ने लिखा, भारत के महान लोकतंत्र के अमूल्य मूल्यों और लोकतांत्रिक गरिमा की रक्षा के लिए संकल्पित हमारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से आज मुलाकात की मध्य प्रदेश के कांग्रेस परिवारजनों में असीम उत्साह है। हम सभी का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद लेकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के विचारधारा को जनमन तक पूरी शिद्दत से पहुंचाएंगे।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव किया गया है। जीतू पटवारी राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में श्री जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री उमंग सिंघार को कांग्रेस विधायक दल का नेता व श्री हेमंत कटारे को उपनेता मनोनीत किया है।